अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह करे सबको सेहतों से नवाजे। अल्लाह हर घर के परेशानियों को दूर करे। अल्लाह हर घर में सेहतों से नवाजे। अल्लाह हर घर में जो बीमार है उनको शिफा दे। हर बच्चे को नेक तौफीक नेक हिदायत दे। हर बच्चे को माँ बाप का फर्मा बरदार बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज हम डायमंड्स कुकिंग में बसबूसी की रेसिपी लेके आए हैं। ये रवे का केक भी बोल सकते हैं, ये अरबिक डिश भी बोल सकते हैं, आप बसबूसा बोल सकते हैं। उसके लिए हमें ये सारे इंग्रेडिएंट्स ले ली मैं। फर्स्ट ये रवा है, ये बारीक रवा है, खरीफ की शॉप पे कहीं भी मिल जाएगा आपको ये रवा। 1 कप रवा है, 1/2 कप मैदा है, 2 अंडे है, 1 कप शक्कर है, 1 कप दही है, 1 कप खोपरे का पाउडर है, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर है, वनीला एसेंस है, 1 कप तेल है। बनाना स्टार्ट करेंगे अपन। एक पैन रख ली मैं, इसमें अपन पानी ऐड कर देंगे। तकरीबन 2 ग्लास पानी है ये, 2 ग्लास पानी ऐड कर दे रही मैं इसमें। 1 कप शक्कर है ये। ये शीरे के लिए शीरा बना लेंगे अपन। उसके लिए शक्कर ऐड कर दिए। ये 4 इलायची है, ये साबित इलायची ऐड कर दे रही मैं। वनीला एसेंस है ये, तकरीबन 4 ड्रॉप्स डालेंगे अपन इसमें। खुशबू अच्छी आती इससे। इसको अच्छा पका लेंगे अपन शीरे को। चलिए देख सकते हैं अपना शीरा अच्छी तरह से पक चुका है। इसमें 1/2 नींबू ऐड कर देंगे अपन शीरे में। नींबू से बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। अभी नहीं, अच्छा बन चुका है शीरा अपना, रेडी हो गया। अब इसको साइड में गैस ऑफ कर देंगे, साइड में रख लेंगे अपन ये। चलिए नेक्स्ट एक बॉल ले ली मैं। पहले अपन इसमें अंडे डाल देंगे, तकरीबन 2 अंडे है ये। अंडों को अच्छा मिक्स कर लेंगे अपन। नेक्स्ट अपन शक्कर डाल देंगे, 1 कप शक्कर है ये। शक्कर और अंडे अच्छा मिक्स कर लेंगे अपन। तेल ऐड कर देंगे, 1 कप तेल है ये। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अपन। दही है 1 कप इसमें। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दही डाले अपन, शक्कर डाले, तेल डाले, अंडे डाले, सभी चीजों को मिक्स कर ले रहे हैं। इसमें वनीला एसेंस डालेंगे 4 ड्रॉप्स। वनीला एसेंस की खुशबू बहुत अच्छी आती, इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। रवा ऐड कर लेंगे। खोपरा ऐड कर लेंगे 1 कप। मैदा ऐड कर लेंगे 1/2 कप। वन टी स्पून बेकिंग पाउडर है ये। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अपन। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसको। अपन क्या क्या डाले, पहले अंडा डाले अपन, 2 अंडे ले लिए थे, 2 अंडों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिए। फिर 1 कप शक्कर डाले अपन, शक्कर को भी मिक्स कर लिए। दही डाले 1 कप, दही को भी मिक्स कर लिए। वनीला एसेंस डाले 4 ड्रॉप्स, उसको भी मिक्स कर लिए। फिर 1 कप खोपरा पाउडर डाले, 1 कप रवा डाले, 1/2 कप मैदा डाले, सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिए। अब इसको तकरीबन अपन 1 घंटे के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट बताऊँगी मैं आपको। जब तक अपन शीरे को छान के रख लेंगे। छन्नी ले ली मैं, शीरे को पूरा छान लेंगे ये। एक साइड में रख लेंगे अपन। बैटर अपना 1 घंटे के लिए रेस्ट के लिए है। उसके बाद फिर नेक्स्ट बताऊंगी फिर मैं आपको। चलिए देख सकते हैं 1 घंटा हो चुका है अपन ये बना के। अच्छा फूल गया है, देख सकते हैं अच्छी तरह से फूल गया ये। नेक्स्ट अपन बेकिंग ट्रे ले लेंगे। एक बेकिंग ट्रे में
आप चाहे तो बटर भी लगा सकते हैं, मैं ऑयल लगा रही हूँ। अच्छा फैला लेंगे इसको। अच्छा चारों तरफ से फैला लेंगे। नेक्स्ट अपन ये डाल देंगे इसमें, देख सकते हैं कितना अच्छा फूल गया अपना ये। इसको अच्छी तरह से फैला लेंगे चारों तरफ से। टैप टैप करेंगे इसको, अच्छी तरह से मिक्स हो गया जैसा। और ये बादाम मैं कट करके रख ली थी पहले से, ये बादाम इसमें लगा देंगे अपन। स्टार्टिंग में चपन बादाम लगा दिए तो अच्छा चिपक जाते हैं। चलिए अब ओवन में पहले से स्टार्ट करके रख ली थी, अब ओवन में रख के बताऊंगी मैं। देख सकते हैं मैं ओवन स्टार्ट कर ली, अब अपन ये रख लेंगे फिर बताऊंगी मैं आपको। देख सकते हैं अच्छी तरह से अपना बसबूसा बन के रेडी हो गया, पूरा गोल्डन ब्राउन कलर हो गया इसका। अब इसको निकाल लेंगे अपन। चलिए हो चुका है, इसको निकाल लेंगे अपन। माशाल्लाह माशाल्लाह वाओ, देख सकते हैं माशाल्लाह वो जबरदस्त बन के रेडी हो अपनी रेसिपी। माशाल्लाह देख सकते हैं, अब इसके अपन ऐसा पीसेस कर लेंगे। कितनी स्मूथ बन के रेडी हुआ देखिए आप बसबूसा अपना। इसमें अपन ये शीरा बना के रख लिए थे पहले से, वो डाल देंगे इसको अच्छी तरह से। और ये गर्म रहा तो शीरा ठंडा रहना अपना, अगर शीरा गर्म रहा तो ये ठंडा रहना अपना। और फिलहाल अपना ये बसबूसा गर्म है तो अपन ये शीरा ठंडा करके डाल रहे हैं इसके ऊपर। चलिए एक पीस निकाल लिए अपन, ये बहुत गर्म है इसको जरा ठंडा होने पर निकालना। चलिए दो पीसेस निकाल ली मैं इसमें, अब इसको साइड में रख लेंगे अपन। देखिए कितने अच्छे बन के रेडी हुए अपने बसबूसे। अब इसमें ये पिस्ते का पाउडर ऐड करेंगे अपन इसमें। बहुत अच्छे बन के रेडी हुए अपनी रेसिपी, टेस्ट करके बताऊंगी मैं आपको। ओफो माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी टेस्टी, बहुत अच्छे बने अपने रेसिपी। प्लीज आपको ये मेरी रेसिपी पसंद है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। जब तक के अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट डे नेक्स्ट रेसिपी लेके आऊँगी मैं। दुआ में याद रखिए, शब्बा खैर।